सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे इज 26th of April एंड टाइम हो रहा है 9:40 एंड वी आर लेट फॉर आवर ट्रेन। मतलब एक घंटे में ट्रेन यहाँ से चल देगी एंड अभी तक रेडी नहीं हुए हैं। तो मेरी आँख से देख के पता चल रहा होगा कि मैं सोया नहीं, मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मैं ढंग से सोया नहीं। मैं जैसा ही उठाऊँ मैं ऐसा कैसे उठ करके बस जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं चेंज करूँ या कुछ और करूँ। जो भी होगा भाई ट्रेन में देख लेंगे, अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि अभी कुछ भी करें। और मैं लेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल लेट नहीं होना चाह रहा हूँ। अब बस जल्दी से उठते हैं, ऑटो वाले बुलाते हैं और निकलते हैं। यार बैक में पेन हो रहा है, अब पैर थोड़े ठीक है लेकिन अब बैक में पेन हो रहा है। अरे कहाँ कहाँ कौन कौन से शरीर की किस कोने में पेन होना नहीं पता यार। चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। सो द होटल वी वर स्टेइंग इन इज दिस स्वास्तिक होटल। और ये है कुछ, ये दो डबल बेड लगे हुए हैं बढ़िया से चार लोग के लिए। और ये है वॉशरूम। एंड मैं ऐसा कैसे उठ करके जा रहा हूँ, मैं ऐसे सोया था, बस मैं मुंह धोया हूँ, मैं ऐसे रेडी होकर के बस ऐसे ही निकल रहा हूँ, क्योंकि वैसे ही अपने को क्या ही फ़र्क पड़ता है। वैसे इसका जो रूम टैरिफ है वो भी कुछ खास ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब अच्छा ही है। जिससे मैं लास्ट में रह रहा था उसमें सामान अपना घर पहुँच के बन भी निकल। पहुँचने वाले हैं अमृतसर, वहाँ में लग जाएंगे अराउंड 5:40। तो अभी वैसे कुछ है नहीं खास, ना दिखाने को ना कुछ करने को। तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल एडिट द लास्ट टू व्लॉग्स। जो लास्ट दिन का व्लॉग था वो अभी तक मैंने अपलोड किया नहीं है, एंड मैं करने वाला था बट इतना ज़्यादा थक गया हूँ मैं कि अभी तक ना मैंने एडिट किया ना कुछ किया। और वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है तो दो पार्ट के अंदर उसको डालेंगे, क्योंकि वो वीडियो अराउंड 25 मिनट्स का हो जाएगा और इतना बड़े व्लॉग में दिखता है नहीं। तो आई सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कट इट इन टू एंड उसके बाद में उसे अपलोड कर देंगे। कोशिश करेंगे कि अभी ही ट्रेन में कर दूँ अपलोड, और अभी एडिट कर लेता हूँ बैठ करके, क्योंकि अभी टाइम है कुछ करने को है नहीं। सो लेट्स सी, वहाँ अमृतसर पहुँचते हैं। मैंने वहाँ पर पहले इस बार होटल बुक करवा दिया, बस बुकिंग वुकिंग में कुछ नाटक ना हो। एंड सो जय माता। राइट नाउ इट इज़ 3:37 एंड सो करके उठ गया हूँ मैं कुछ देर पहले, एक डेढ़ घंटे पहले मैं सो करके उठ गया था। पठानकोट पे थोड़ा बहुत कुछ खाया, रात में हम लोग शायद से 4:30 बजे या फिर 5:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। 5:30 बजे टाइम है ट्रेन के अमृतसर पहुँचने का, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाएंगे, बिफोर पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं फिर, अभी हम लोग इसके बाद में हम शाम का ही सब बैठ करके प्लान कर रहे थे कि शाम को क्या करना है। तो एक बार चेक इन कर लेते हैं होटल में, मैं आराम से रेडी वेडी हो जाता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। तो क्योंकि पहले हमारी प्री प्लानिंग जो भी होती है वो तो पता चल ही होगा कैसी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हम वहीं पे जाएंगे, वहीं पे जाकर देखेंगे क्या करना है और क्या नहीं। सो अमृतसर रेलवे स्टेशन, अब यहाँ से कराते हैं ओला या उबर या देखते हैं नॉर्मल ऑटो और पहुँचते हैं सीधे होटल। रीच द होटल एंड अब फ्रेश होएंगे, आराम से चाय वाय पियेंगे और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल जाने के बाद में जो भी खाना वगैरह करेगा तो वहीं देखेंगे दूसरे किसी एरिया में, और कल का प्लान करते हैं कल क्या करना है क्या नहीं करना। तो लेट्स सी, अभी बहुत एक्साइटेड है, चेंज करते हैं, नहाते हैं और फिर चलते हैं घूमने, और आपको फिर बताता हूँ रूम वगैरह कैसा है। वी आर ऑल रेडी एंड अपन भी बढ़िया रेडी हो गए हैं एंड फैमिली वाले भी रेडी हो गए, वो भी चले गए हैं। आपको जल्दी से काम करता हूँ, रूम दिखा देता हूँ। ये है एक डबल बेड, यहाँ मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, ये एक और है डबल बेड। इसके अलावा अगर आप इधर आ जाएंगे टीवी है, और यहाँ पे है अपना वॉशरूम बढ़िया, ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को। ये रूम है अपने को सही सेट मिल गया, और बस कैब बुक करा दी है। आज के दिन एक्चुअली ऑटोज मिल नहीं रहे तो ऑटो हो नहीं पाएंगे, कैब मंगा ली है और अपन जा रहे हैं। और मेरे को आ रहा है मेरे फ्रेंड का कॉल, तो चलो कैब।
सो गाइज वी हैव रीच्ड गोल्डन टेम्पल और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ऑलमोस्ट 2.5 साल बाद. मैं आया था लास्ट 2019 दिसंबर में, तो तब मैं आया और अब देखते हैं. चलो ये ले लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे पास ये जो लास्ट टाइम का था मैंने अभी तक सवाल कर रखा है, मैं इसको भी सवाल करूँ. एंड अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, इट इज़ 11:06 एंड हम लोग वेट कर रहे हैं प्रसाद का. प्रसाद लेंगे और उसके बाद में हम लोग जाएंगे बाहर. बाहर जाने के बाद हमारा कल वैसे वापस आने का प्लान है, लेकिन यहाँ पे अच्छा लग रहा है. वैसे भी होटल जाके क्या करेंगे, तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है, यहीं बैठेंगे आराम से. इसके बाद में आगे बाहर जाके कुछ खाएंगे, लंगर हम शायद कल खाएँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे. मैं जब लास्ट टाइम आया था 2019 में दिसंबर में, तभी मुझे याद है मैं हमारे पूरे स्कूल टूर से, हमारे कॉलेज टूर से आए थे, एंड आई स्टिल रिमेंबर सबके मेरे पास रिप्लाई आ रहा है कि वो चीज़ याद आ रही है उन सबको. मैंने अभी स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे, तो सीरियसली उस टाइम पर भी बहुत सुकून था, अभी भी बहुत सुकून मिल रहा है हमें. तो यहाँ की फीलिंग एक अलग है. अगर आप नहीं आए हो कभी, प्लीज़ आप एक बार आओ. यहाँ की फीलिंग डिफरेंट ही है, बहुत अलग है, बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है मन में आता है. ये सीन है कि मेरे कॉलेज का जो टूर है वो भी इधर आया हुआ है. वो लोग एक्चुअली मनाली से यहाँ पर आए, तो मैं आज सोच रहा हूँ वो लोग भी अभी अमृतसर में हैं तो मिल लेते हैं. अभी मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला तो मेरे फ्रेंड ने भी साथ में डाला, तो उसने बोला कि चल भाई कहाँ पर है तू, मेरे को बता. तो वो जस्ट ऑपोजिट बैठा हुआ था, तो बस मैं ट्राई करता हूँ उनको ढूंढने की. सेम जगह होता तो जरा मिल ही लेते हैं, और कुछ नहीं तो कॉलेज में तो मिलते ही हैं, काम करते हैं यहाँ पर भी मिल लेते हैं अगर पता चल जाता है कहाँ पर है. तो बस उधर ही जा रहा हूँ उन लोगों के पास. तो उसे भी मिल लिए, दर्शन भी कर लिया, अब जा रहे हैं बाहर क्योंकि दीदी को थोड़ी शॉपिंग करनी है. लोग बाहर ही खाएंगे, हम लोगों ने यही सोचा है, तो अभी जाते हैं. जो भी शॉपिंग वॉपिंग जितनी दुकानें खुली होंगी कुछ मिल जाता है तो ले लेंगे, नहीं तो अगर नहीं मिलता है तो कल का दिन तो है ही सही, वापस आएंगे ही हम लोग यहाँ पर. तो देखते हैं अब जाके खाना खाना है. केसर का ढाबा बहुत फेमस सुना है हम लोगों ने, तो वहीं पर जाके खाना खाते हैं और क्या कुछ शॉपिंग करते हैं वो भी आपको पता होगा. जहाँ पर हम लोग को एक्चुअली खाना खाना था वो शॉप बंद हो गई है, तो पास में ही एक और दूसरी शॉप है, जाने क्या पता जाना. तो एक्चुअली जहाँ पर हमें खाना खाने जाना था वो ढाबा जो था वो 10:30 बजे बंद हो जाता है, अभी 12 बज रहे हैं. तो इसीलिए अब हम आए हैं पास में ढाबा जिसका नाम है रवंदा ढाबा. तो यहाँ पर भरावा भरावा दा ढाबा हम लोग आए, खाना खाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे होटल. तो देखते हैं फिर क्या सीन बनता है. थक गए हैं बहुत ज़्यादा, खाना खाएंगे अच्छे से पेट भर के और सो जाएंगे, क्योंकि अब और कुछ करने के बिल्कुल एनर्जी नहीं है. तो देखते हैं क्या आता है, कैसा रहता है खाना. क्या है हमारा खाना, बटर पनीर मसाला, दाल मखनी, बिरयानी, प्याज एंड ढेर सारे नान. ये खाते हैं और ख़त्म. खाना खाने के बाद में बैक इन द रूम एंड अब
और कुछ हिम्मत नहीं बची है, रात के 1 बज रहे हैं, अब हम सोएंगे। कल का हमारा ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्लान हो चुका है कैसे क्या करना है, तो इसीलिए अभी जल्दी सोना ज़रूरी है। ये वाला वीडियो है ये भी मुझे एडिट करना है, इसके बाद में सोना है, तो ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर किसी भी रीज़न से ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किया मत जाना, एंड यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ARADHYADIXAD, सिंपल यूजर नेम है, जाओ जल्दी मुझे फॉलो करो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ आउट।